नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूं टाटे हॉस्पिटल श्री गंगानगर राजस्थान में। हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। टीबी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इस साल की हमारी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। टीबी इतनी घातक बीमारी है, करीबन 4100 लोगों की जान प्रतिदिन पूरे विश्व में जाती है और करीबन 28 लाख लोग प्रतिदिन पूरे विश्व में इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक लगभग ख़त्म के दौर पे है और अब हमें मिलके टीबी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। टीबी के मुख्यतः लक्षण होते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहना, खांसी के साथ बलगम रहना, शाम के टाइम बुखार होना, शरीर में दर्द रहना, भूख का ना लगना, अत्यधिक वजन का घटना, खांसी में खून आना, ये सारी ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण हैं। परंतु इसके साथ टीबी की सबसे ख़राब बात यह है कि ये शरीर के किसी भी अंग को इन्फेक्ट कर सकता है, दिमाग को, लीवर को, किडनी को, हार्ट को। तो उसके लक्षण बहुत ही अलग टाइप के भी हो सकते हैं। आपको अगर कुछ भी खराबी लगे इनमें से जो निम्न बताई है मैंने, तो अपने नज़दीकी फिजिशियन से जाके मिलिए और अपनी टीबी की जांच कराइए। टीबी का इलाज पूरा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीबी भी कई प्रकार की होती है। एक सिंपल टीबी, MDR-TB, XDR-TB और TDR-TB। सिंपल टीबी का इलाज 6 से 9 महीने में अपने पूरा हो जाता है, लेकिन अगर इलाज सही ना मिले या अपन बीच में इलाज छोड़ देते हैं तो MDR-TB होने का खतरा रहता है। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, यानी उस पर जो सिंपल टीबी की दवाइयाँ हैं वो काम नहीं कर रही हैं। और अगर MDR-TB भी बिगड़ जाए तो XDR-TB, एक्सटेंसली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिस पर बहुत ही कम दवाइयाँ काम कर रही होती है और उसका कोर्स बहुत लंबा और बहुत मुश्किल होता है। और भगवान ना करे अगर सारी दवाइयाँ काम करना बंद कर दे तो उसको कहते हैं TDR-TB, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसका तो इलाज हद से ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी से घबराए ना। अगर आपको या आपके परिवार में या दोस्तों में, रिश्तेदार में किसी को टीबी है, उसको नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें। आजकल तो सरकारी केंद्र में इसकी दवाई बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए शुल्क दिया भी जाता है, एक प्रोत्साहन शुल्क दिया जाता है मरीज को, ताकि वो अपनी दवाइयों का और खान पान का सेवन कर सके। टीबी का इलाज पूरा लें, उस समय से पहले बंद ना करें और अपने पोषण का ध्यान रखें। अगर हम मिलकर चलेंगे तो हम टीबी को हराएंगे और इंडिया को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।